कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 3XO को मार्केट में उतार दिया है। साथ ही पहले से टाटा नेक्सॉन बेस्ट सेगमेंट कार थी। सो एक्सयूवी 3XO के आने के बाद अब में से काफी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उन्हें एक्सयूवी 3XO लेना चाहिए या फिर टाटा नेक्सॉन। सो डोंट वरी, सीट बेल्ट को टाइट कर लीजिएगा एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस मैं इनके लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज से टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किसका लुक ज्यादा बेटर लगता है। हम चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की ओर। तो दोनों ही कार्स में आपको फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। टाटा नेक्सॉन में आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलता है जबकि एक्सयूवी 3XO में नॉर्मल LED इंडिकेटर है। दोनों ही कार्स के टॉप वेरिएंट में प्रोजेक्टर LED हेडलाइट दिया गया है बट नेक्सॉन में आपको प्रोजेक्टर LED फॉग लैंप मिलता है, वहीं एक्सयूवी 3XO में नॉर्मल LED फॉग लाइट है। साथ ही महिंद्रा ने भी एक्सयूवी 3XO में 360 डिग्री कैमरा का फीचर दे दिया है। सो बोथ कार्स में आपको 360 डिग्री कैमरा का फीचर मिल जाता है। बात करें रिक्वेस्ट बटन की तो ये ओनली ड्राइवर डोर्स पे दिया गया है। टाटा नेक्सॉन में आपको ब्लैक क्लैडिंग कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, वही एक्सयूवी 3XO में कुछ इस टाइप का है। दोनों में से किसका बेटर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करें टॉप प्रोफाइल की तो नेक्सॉन में आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है बट एक्सयूवी 3XO में नॉर्मल एंटेना मिलता है। वही एक्सयूवी 3XO के टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि फर्स्ट सेगमेंट फीचर है, वही नेक्सॉन में आपको नॉर्मल सनरूफ मिलता है। बात करें रियर प्रोफाइल की तो दोनों ही कार्स कनेक्टेड टेल लाइट ऑफर करते हैं। साथ ही दोनों के रियर में भी दो दो पार्किंग सेंसर मिलता है। बात करें नेक्सॉन के बूट स्पेस की तो इसमें आपको मिलता है 382 लीटर का कैपेसिटी विद पार्सल ट्रे एंड एक्सयूवी 3XO में आपको मिलता है 364 लीटर का कैपेसिटी विदाउट एनी पार्सल ट्रे। साथ ही दोनों में ही हुक्स और बूट लैंप वगैरह की व्यवस्था की गई है और नेक्सॉन में आपको 12 वोल्ट का पोर्ट बूट में भी देखने को मिल जाता है बट एक्सयूवी 3XO में ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है एंड दोनों में ही एक इंच छोटा स्पेयर व्हील मिलता है अलॉन्ग विद मल्टीपल टूल किट। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो नेक्सॉन में आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है 44 लीटर का एंड एक्सयूवी 3XO में मिलता है 42 लीटर का। तो चलिए देखते हैं एक्सयूवी 3XO का व्हील प्रोफाइल। तो इस आपको मिलता है 215x55 सेक्शन का टायर अलॉन्ग विद 17 इंच अलॉय व्हील, वही नेक्सॉन में आपको 215x60 सेक्शन का टायर मिलता है 16 इंच अलॉय व्हील के साथ। बात करें ब्रेक्स के बारे में तो एक्सयूवी 3XO के सभी व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रॉम इट्स बेस वेरिएंट, वही नेक्सॉन के फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है एंड रियर में ड्रम ब्रेक। नेक्सॉन का की कुछ इस टाइप का है जिसपे आपको लॉक, हेडलैम्प्स, बूट ओपनर और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। वही एक्सयूवी 3XO का रिमोट कुछ इस टाइप का मिलता है जिसमें आपको फ्लिप कीज मिलते हैं अलॉन्ग विद लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर। तो चलिए अब देखते हैं इनके डायमेंशन को। तो एक्सयूवी 3XO का लेंथ मिलता है 3990 mm का, वही नेक्सॉन में थोड़ा ज्यादा मिलता है 3995 mm का। बात करें विड्थ की तो एक्सयूवी 3XO है 1821 mm का, नेक्सॉन में जाता है 1804 mm का। बात करें हाइट की तो एक्सयूवी 3XO का हाइट है 1647 mm एंड नेक्सॉन है 1620 mm। सो एक्सयूवी 3XO का हाइट एंड विड्थ दोनों ही ज्यादा देखने को मिलता है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो नेक्सॉन में अच्छा खासा मिल जाता है 208 mm का, वही एक्सयूवी 3XO में आपको मिलता है 201 mm का, बट दोनों में ही ऑफ रोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है नेक्सॉन का रियर केबिन जिसमें कि तीन लोग इजीली बैठ जाएंगे विदाउट एनी इश्यूज। हाई सपोर्ट वगैरह थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। दोनों में ही 60:40 का स्प्लिट सीट दिया गया है। बात करें एक्सयूवी 3XO के बारे में तो यहाँ भी तीन पर्सन इजीली बैठ जाएंगे, हाई सपोर्ट वगैरह अच्छा खासा दिया जाता है। एक्सयूवी 3XO में आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलता है साथ ही आर्मरेस्ट भी है, बट वही नेक्सॉन में आपको ओनली 2 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलता है अलॉन्ग विद आर्मरेस्ट एंड दोनों ही कार्स में आपको 3-point सीट बेल्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। एक्सयूवी 3XO के रियर रूम में आपको AC वेंट, टाइप सी पोर्ट और 12 वोल्ट का पोर्ट दिया गया है, वही नेक्सॉन में आपको AC वेंट, USB पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट मिलता है और दोनों ही कार्स में आप ORVM को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सयूवी 3XO में आपको हार्मन कार्डन के 7 स्पीकर्स मिलते हैं, वही नेक्सॉन में आपको JBL के 9 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। बात करें सीट एडजस्टमेंट की तो दोनों ही कार्स में आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा एंड नेक्सॉन में आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक्सयूवी 3XO में मिसिंग है, बट सीट्स वगैरह दोनों की काफी कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली बिकॉज दोनों ही कार्स में कंफर्ट का काफी ध्यान रखा गया है। सो एक्सयूवी 3XO में आपको कुछ फर्स्ट सेगमेंट फीचर मिलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक पैनोरामिक सनरूफ, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडास लेवल 2 एंड नेक्सॉन में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं लाइक वेंटिलेटेड सीट्स, एक्सप्रेस कूल, एयर प्यूरिफायर, 9 स्पीकर JBL सिस्टम। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो दोनों ही कार के टॉप मॉडल में आपको डिजिटल मिलता है जिसका इंटरफेस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नेक्सॉन में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है जिसका UI काफी सिंपल है एंड टच काफी रिस्पॉन्सिव है। बात करें एक्सयूवी 3XO की तो इसमें भी आपको 10.25 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है
यूआई तो सिंपल है बट फर्स्ट टाइम यूजर के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एंड टच रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी एक्यूरेट है। बात करें कैमरा व्यू की तो दोनों ही कार्स में काफ़ी क्लियर फुटेज मिल जाती है। एज वेल एज मोबाइल चार्जिंग के लिए दोनों ही कार्स आपको वायरलेस चार्जिंग पैड ऑफर किया गया है। बात करें स्टोरेज की तो नेक्सॉन का ग्लव बॉक्स काफी डीप है तो थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाता है और कप होल्डर वगैरह भी यहीं पे दिया गया है। वहीं XUV 300 के ग्लव बॉक्स में भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है एंड कप होल्डर सेंटर में है। एंड दोनों ही कार्स में सेंटर में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है विद स्टोरेज बॉक्स बट XUV 300 में थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया गया है। नेक्सॉन के फ्रंट केबिन में आपको 12 वोल्ट पोर्ट, USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट वगैरह मिलता है। वहीं XUV 300 में आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट एंड USB पोर्ट मिलता है। XUV 300 में आपको एडिशनली सनग्लास होल्डर का स्पेस भी अवेलेबल कराया जाता है। बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तो दोनों ही कार्स में आपको ओनली टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा XUV 300 में आपको वेरियस टाइप के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये लिस्ट तो हो गई XUV 300 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, साथ ही ये लिस्ट है नेक्सॉन में ऑफर किए जाने वाले सेफ्टी फीचर्स के। सो आई होप सभी सेफ्टी फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं इनके इंजन की ओर, डिस्कस करें इनके इंजन के बारे में। तो XUV 300 में आपको दो टाइप के पेट्रोल इंजन मिलते हैं। फर्स्ट इज एम स्टैलियन TCM PFI इंजन जिसका कैपेसिटी है 1.2 लीटर। पावर मिल जाता है 110 bhp एट 5000 rpm एंड टॉर्क मिलता है 200 न्यूटन मीटर एट 1500 टू 3500 rpm। सेकंड पेट्रोल इंजन है एम स्टैलियन TGDI इंजन विद 1.2 लीटर कैपेसिटी। बात करें पावर की तो ये प्रोड्यूस करता है 129 bhp एट 5000 rpm एंड टॉर्क इज 230 न्यूटन मीटर एट 1500 टू 3750 rpm। दोनों ही पेट्रोल वेरिएंट में आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें डीजल इंजन के बारे में तो यह है टर्बो डीजल विद CRD जिसका कैपेसिटी है 1.5 लीटर की। तो ये प्रोड्यूस करता है 115 bhp एट 3750 rpm एंड टॉर्क मिल जाता है 300 न्यूटन मीटर एट 1500 टू 2500 rpm। इसमें आपको मिलता है 6 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 ऑटो शिफ्ट का ऑप्शन। बात करें नेक्सॉन के इंजन की तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन विद 1199 cc एंड 3 सिलेंडर्स। देखिए इसका पावर तो ये प्रोड्यूस करता है 118 bhp एट 5500 rpm एंड टॉर्क इस 170 न्यूटन मीटर एट 1750 टू 4000 rpm। इसमें आपको मिलता है 5 मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 DCA का ट्रांसमिशन ऑप्शन। अनदर इंजन ऑप्शन इस 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड रेवट्रॉन डीजल इंजन विद 1497 cc एंड 4 सिलेंडर्स। तो ये प्रोड्यूस करता है 113 bhp एट 3750 rpm और टॉर्क है 260 न्यूटन मीटर एट 1500 टू 2750 rpm। इसमें आपको मिलता है 6 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन। सो गाइस ये बातें हो गई इनके इंजन के बारे में, चलिए बढ़ते हैं इनके प्राइस की ओर। XUV 300 के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स 8.57 लाख है एंड टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स 18.03 लाख है। बात करें नेक्सॉन के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस के बारे में तो ये है 9.26 लाख एंड टॉप मॉडल मिल जाता है 18.25 लाख के आसपास। अब चलिए जानते हैं दोनों में से आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए। तो XUV 300 का प्राइस नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ा कम है, सो अगर आपका बजट टाइट है तो आप XUV 300 चूज कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही पावरफुल इंजन चाहिए तो नेक्सॉन एक बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज इसके बेस वेरिएंट में आपको 118 bhp का पावर मिलता है बट XUV 300 में आपको 110 bhp का पावर मिलता है। XUV 300 का हाइट एंड विड्थ थोड़ा ज्यादा है सो केबिन स्पेस लिटिल बिट ज्यादा देखने को मिल सकता है। बात करें सेफ्टी के मामले में तो दोनों ही कार्स बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज भर भर के सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको XUV 300 का डिटेल रिव्यू देखना है तो हमारा ये वीडियो जरूर चेकआउट करें जिसमें हमने सभी फीचर्स और सभी चीजें डिटेल में डिस्कस किया है, साथ ही हमारे नेक्सॉन का डिटेल रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। सो इन दोनों में से आप अपने लिए बेस्ट कार चूज कर लीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नए हुए तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।